वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मीना, गवर्नमेंट आईटीआई विमेन जगराऊं ट्रेड कोपा के इंस्ट्रक्टर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट मैसेज बॉक्सेस एंड इनपुट बॉक्सेस इन अ वीबीए। तो सबसे पहले मैं डीजीटी निम्मी टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब के सभी सीनियर ऑफिसर्स का थैंक्स करती हूँ जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया। तो अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। First of all, VBA, Visual Basic Applications. VBA stand for Visual Basic Applications. Visual Basic Application is the programming language of Excel and other office program. VBA एक programming language है जिसके द्वारा हम applications को create कर सकते हैं, हम applications बना सकते हैं, forms login create कर सकते हैं, बहुत सारी applications बना कर हम अपना काम easy कर सकते हैं। VBA is a subset of VB. VB जो है subset है VB का। तो सबसे पहले VB कब लॉन्च हुई? VB was launch with MS Excel 5.0 in 1993. ठीक है। Who is the father of VBA? Then Alan Cooper is the father of VBA. VBA बाकी लैंग्वेजेस जैसे C, C++ की तरह ही काम करती है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, क्रिएट मैसेज बॉक्सेस एंड इनपुट बॉक्सेस इन अ VBA। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा एक्टिवेटिंग डेवलपर टैब। सेकेंड वन इज ओपनिंग VBA मॉड्यूल। थर्ड है राइटिंग योर VBA कोड। फोर्थ इज रनिंग योर VBA कोड। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिवेट कैसे करना है डेवलपर टैब को, उसके बाद देखेंगे VBA का मॉड्यूल कैसे ओपन करना है, उसके बाद हम अपना जो कोड है वो राइट करेंगे। ये हमारी एक्सेल की शीट है, इसमें डेवलपर टैब नहीं ओपन शो हो रही है। तो हम सबसे पहले डेवलपर टैब देखेंगे कैसे शो करनी है। फाइल, फाइल पे गए, देन एक्सेल ऑप्शंस, पॉपुलर, उसके बाद हमने शो डेवलपर टैब इन द हम अल्ट F11 प्रेस भी कर सकते हैं। डेवलपर टैब के ऊपर गए, देन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में जाके इंसर्ट, इंसर्ट के बाद मॉड्यूल पे क्लिक किया। ठीक है, ये तो हमने दो स्टेप सीख लिए, कैसे हमने डेवलपर टैब को ओपन करना है और कैसे उसमें अपना कोड है। जो फर्स्ट टू स्टेप्स हो गए, ओपनिंग VBA मॉड्यूल कैसे ओपन करना और एक्टिवेट कैसे करनी है अपनी वो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा मैसेज बॉक्स होता क्या है। मैसेज बॉक्स, द मैसेज बॉक्स फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले मैसेजेस टू द यूजर इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स का यूज हम यूजर को सूचना देने तथा सूचना लेने के लिए करते हैं। मैसेज बॉक्स फंक्शन का यूज मैसेज बॉक्स डायलॉग बॉक्स यूज करने के लिए किया जाता है। जब मैसेज बॉक्स हमारे सामने होता है तो यूजर क्लिक करता है, क्लिक करने के लिए वेट करता है और क्लिक करने पर हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है,
मीना जी अपनी वीडियो ऑन ही रखो, वीडियो ना ऑफ करो अपनी, लेक्चर का इंपैक्ट नहीं पड़ता उससे। जी सर, वेरी गुड, कंटिन्यू। सबसे पहले हम मैसेज बॉक्स देखेंगे, तो मैसेज बॉक्स के बेसिकली चार पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इज टाइटल, जो हमें शो हो रहा है। सेकंड वन इज टेक्स्ट, मैसेज बॉक्स टेक्स्ट। थर्ड वन इज बटन, मैसेज बॉक्स बटन। एंड फोर्थ इज आइकन। अब हम मैसेज बॉक्स के टाइप्स देख लेते हैं। इन VBA मैसेज बॉक्स फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज। VBA में मैसेज बॉक्स को बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द मैसेज बॉक्स मेथड। इट डिस्प्लेज अ प्री डिफाइंड मैसेज टू द यूजर। इट आल्सो कंटेन्स सिंगल कमांड बटन, दैट इज ओके। द सेकेंड वन इज द मैसेज बॉक्स फंक्शन। इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा मैसेज बॉक्स मेथड है, इसमें सिर्फ एक ही बटन है, हमें शो हो रहा है ओके। सेकंड है दिस इज द कैप्शन, दिस इज द मैसेज बॉक्स टेक्स्ट। इसमें हमें दो बटन शो हो रहे हैं, ओके और कैंसिल। ये है एग्जांपल द मैसेज बॉक्स फंक्शन की। अब हम सिंटैक्स देखेंगे। VBA मैसेज बॉक्स का सिंटैक्स है मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट बटन्स टाइटल्स हेल्प फाइल एंड कंटेक्स्ट। इसमें बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिक्वायर्ड पैरामीटर, एक होता है ऑप्शनल पैरामीटर्स। ठीक है, जो प्रॉम्प्ट है वो हमेशा ही रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है, बाकी बटन्स टाइटल्स हेल्प फाइल और कॉन्टेक्स्ट इन सब में हम ऑप्शनल। हम बटन्स रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। टाइटल हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो ऑप्शनल है ये। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, सिंपल VBA मैसेज बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल VBA मैसेज बॉक्स, ये हमने अपने मैसेज जो हमने प्रोग्राम लिखा है ये उसका टाइटल है जिम एन एज इंटीजर। एन इक्वल टू मैसेज बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, दिस इज द मैसेज बॉक्स टेक्स्ट VBA ओके कैंसिल। नेक्स्ट दिस इज द कैप्शन देन आंसर। अब हम इसकी आउटपुट देखेंगे, इसकी आउटपुट हमें शो हो रही है। इसमें ये यहाँ पे दिस इज द कैप्शन लिखा है, ये हमारा टाइटल है, यहाँ पे लिखा है दिस इज द मैसेज बॉक्स टेक्स्ट। इसमें ये हमारा मैसेज बॉक्स का टेक्स्ट है VBA ओके और कैंसिल, ये इसके दो बटन्स बनाए हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। सेकंड वन इज दिस सब टेस्ट। इसमें हमने प्रोग्राम को जो टेस्ट है वो हमने इसका प्रोग्राम का नाम लिखा है टेस्ट। नेक्स्ट लाइन है डिम एन एज इंटीजर एन इक्वल टू मैसेज बॉक्स डू यू वांट टू सेव दिस फाइल VBA ओके कैंसिल। इसमें भी हमने दो बटन्स दिए हैं। नेक्स्ट एक्शन ऑन फाइल्स, इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए इसमें आ गया डू यू वांट टू सेव दिस फाइल, ये हमने जो हमारा प्रॉम्प्ट है ये यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, इसमें भी दो ही बटन लिए हैं हमने ओके और कैंसिल। जैसे हमने यहाँ पे ओके और कैंसिल लिया है, हम ओके भी ले सकते हैं। इसका एक चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट VBA ओके ओनली। इट डिस्प्लेज सिंगल ओके बटन, इसमें सिर्फ एक ही बटन शो होगा। ओके कैंसिल में टू बटन शो होंगे, ये अपनी मर्जी है, आप कोई भी ले सकते हो इनमें से, रीट्राई अबॉर्ट और इग्नोर। इसमें तीन बटन शो होंगे, येस नो में टू, क्रिटिकल में हमें एक क्रिटिकल मैसेज आइकन शो होगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क शो होगा आइकन उसका, एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लेमेशन का साइन वार्निंग साइन बोलते हैं जिसे, वो शो होगा। इन्फॉर्मेशन में हमें इन्फॉर्मेशन मैसेज,
अब हम एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअल बेसिक में जाएंगे, उसमें इंसर्ट में जाके मॉड्यूल में क्लिक करेंगे, देन सब डिफॉल्ट मैसेज बॉक्स ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे मैसेज बॉक्स लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, देन लिखेंगे This is a sample box. अब inverted comma close करके bracket close करेंगे। अब इसको run करना, run करने के लिए हम F5 भी press कर सकते हैं और सीधा यहां से भी click कर सकते हैं। Run, ये देखिए ये हमारा मैसेज बॉक्स आ गया। दिस इज अ सिंपल टेम्पल बॉक्स, सॉरी। इसमें ये बटन है, ये हमारा टेक्स्ट है और ये हमारा इसका मैसेज बॉक्स का टाइटल है। अभी हम अगेन एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। सब मैसेज ओके कैंसिल, ठीक है, मैसेज बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, वांट टू कंटिन्यू क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सॉरी सिंगल ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमने इसमें दो बटन देने हैं, सिंगल कॉमे के बाद वीबी ओके कैंसिल। यहाँ पे हमें ये ड्रॉप डाउन में मैसेजेस शो हो जाएंगे, आपको कितने बटन चाहिए, ओके कैंसिल चाहिए, ओके ओनली चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, यस नो चाहिए, यस नो और कैंसिल चाहिए। अभी हमने सिर्फ ओके और कैंसिल करना है, ओके कैंसिल किया, ठीक है। अब हमने इसको रन करना, F5 से भी रन कर सकते हैं। रन किया, ये हमारा डायलॉग मैसेज बॉक्स ओपन हो गया। वांट टू कंटिन्यू ये हमने लिखा था वहां पे, ये दो बटन लिए ओके और कैंसिल के, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सब, अब हम तीन बटन्स देखेंगे, मैसेज बॉक्स अबॉर्ट रिट्राई इग्नोर, मैसेज बॉक्स इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, देन सिंगल ब्रैकेट सिंगल कॉमा लगाएंगे, देन वीबी ये सबसे ऊपर आ गया, अबॉर्ट रिट्राई और इग्नोर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन रन। रन के बाद ये इसमें हमारे तीन बटन्स शो हो रहे हैं, अबॉर्ट रिट्राई और इग्नोर, ठीक है। नेक्स्ट हम अभी एक यस नो का कर लेते हैं, सब मैसेज बॉक्स यस नो, देन एंटर मैसेज बॉक्स इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, यहां पे लिखेंगे शुड बी स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगा के, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, बी बी यस नो। अब हम इसको क्लोज करेंगे, देन रन करने के लिए F5 प्रेस करेंगे, ये देखिए
इसमें हमें दो बटन शो हो रहे हैं, यस और नो का। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम सब। मैसेज बॉक्स रिट्राई हेल्प। रिट्राई हेल्प। देन नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे मैसेज बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। What do you want to do next? Question mark inverted comma close. Then VB retry or cancel. यहाँ से हम select कर लेंगे retry cancel. अब इसके साथ हमने plus का symbol लगाना है. Plus हमें अब एक help का button भी चाहिए. VB मैसेज बॉक्स हेल्प बटन। अब हम इसे रन करेंगे। अब ये देखिए इसमें रिट्राई कैंसिल और हेल्प का बटन शो हो रहा है। अब हमने देखना है कि आइकन कैसे आता है। ये तो थे सिंपल मैसेज बॉक्स जिसमें हमने एक बटन देख लिया, दो बटन देख लिए और तीन बटन्स भी देख लिए। अब हमने देखना है कि बटन्स के साथ हमें आइकन्स भी शो हों। ठीक है, वो देखते हैं। सब यहाँ पे मैसेज बॉक्स टू लिख दिया, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, मैसेज बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज अ सैंपल बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सिंगल कॉमा वी बी यस नो प्लस इसका साइन वी बी। सबसे पहले हम करेंगे क्रिटिकल। ठीक है, क्रिटिकल लिख लिया। देन अब हमने इसको रन करना है। रन करेंगे तो ये देखिए पहले हमारे इसमें सिर्फ टेक्स्ट शो हो रहा था, अभी इसमें हमें एक आइकन भी शो हो रहा है यस नो के साथ। ऊपर क्रिटिकल का ये क्रॉस का साइन शो हो रहा है, इसे बोलते हैं आइकन। ठीक है, ये भी शो हो रहा है। अभी हम दो साइन और देख लेते हैं। सब मैसेज बॉक्स थ्री, मैसेज बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, दिस इज अ सैंपल बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सिंगल कॉमा बी बी यस नो प्लस बी बी एक्सक्लामेशन। अब हमने एक्सक्लामेशन का साइन ले लिया। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए पहले था क्रिटिकल का साइन, अभी एक्सक्लेमेशन का साइन। नेक्स्ट में देख लेते हैं मैसेज बॉक्स थ्री, मैसेज बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज अ सैंपल बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज वी बी yes no plus vb information। अब इसको रन करना है। ये देखिए ये हमारा सेम नाम हो गया फोर। अभी हम रन करेंगे। इसमें देखिए दिस इज बॉक्स भी वही है, टाइटल भी वही है, लेकिन इसमें सिर्फ जो सिंबल साइन है आइकन है वही चेंज हो रहा है। इसमें ये आइकन इंफॉर्मेशन का शो हो रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम है सब मैसेज बॉक्स फाइव, मैसेज बॉक्स दिस इज अ सैंपल बॉक्स, होम क्लोज करेंगे
कॉमा लगाएंगे, वी बी यस नो प्लस वी बी क्वेश्चन, ठीक है। ये चार ही सिंबल साइंस होते हैं, ये देखो दिस, इसमें अब क्वेश्चन मार्क का साइन आ गया, ठीक है। चारों देख लिए, इंफॉर्मेशन का, क्रिटिकल का, एक्सक्लामेशन का और इंफॉर्मेशन का, ठीक है। अब हमने मैसेज बॉक्स का लास्ट प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इनपुट बॉक्सेस पे। सब आइकन रिजल्ट इक्वल टू मैसेज बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट डू यू वांट टू कंटिन्यू क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सिंगल वी वी यस नो प्लस वी वी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इफ रिजल्ट इक्वल टू वी बी यस देन मैसेज बॉक्स इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट यू क्लिक्ड यस inverted comma close then else message box you clicked no enter karenge and if ab isko run karenge रन करने के लिए आप 5 प्रेस करेंगे सीधा। अब यहाँ पे लिखा है डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, अगर हमने यस प्रेस किया तो यहाँ पे यू क्लिक्ड यस आ गया, देन ओके करेंगे, दोबारा से इसको रन करेंगे, रन करने के बाद अगर हम नो क्लिक करेंगे, नो पे करें तो यहाँ पे आ गया यू क्लिक्ड नो, ठीक है। हम चलते हैं इसके बाद था हमारा इनपुट बॉक्स। ये हमें जो शो हो रहा है इसे बोलते हैं इनपुट बॉक्स। इसमें ये टाइटल है, ये इसका टेक्स्ट है, ये डिफॉल्ट वैल्यू और ये इसके दो बटन्स हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। An input box is specially designed dialog box that allows the programmer to request a value from the user and use that value as necessary. An input box displays a title, a message to indicate the requested value, a text box for the user, and two buttons, OK and cancel. Input box function user dwara enter kiya jata hai. स्ट्रिंग को वेरिएबल में रिटर्न करता है। इनपुट बॉक्स में दो बटन होते हैं ओके और कैंसिल। यदि यूजर ओके बटन पर क्लिक करता है तो एंटर की गई वैल्यू वेरिएबल को रिटर्न करता है। अगर यूजर कैंसिल बटन पे क्लिक करता है तो जीरो स्ट्रिंग रिटर्न होता है, ठीक है। अब हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इसके सिंटेक्स में इनपुट बॉक्स प्रॉम्प्ट टाइटल डिफॉल्ट एक्सपोजिशन बाय पोजिशन हेल्प फाइल कंटेक्स्ट
ये होता है, इसमें भी ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं और रिक्वायर्ड पैरामीटर होते हैं। जो प्रॉम्प्ट है वो हमेशा ऑप्शनल पैरामीटर में होता है। एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन इसमें ये नहीं है, ये हमें लेफ्ट एज से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को दिखाती है। जो वाई पोजीशन है ये हमें एज का वर्टिकल डिस्टेंस शो करती है। नेक्स्ट ये हमारा है इनपुट का प्रोग्राम, इसमें हमने सब टेस्ट 3 लिया है, n एज इंटीजर, n इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, एंटर योर एज एंड पर्सनल डिटेल्स। आगे हमने एक कमेंट दिया है, एग्जिट सब इफ कैंसिल बटन यूज्ड, इफ n ग्रेटर देन 60 देन मैसेज बॉक्स हमें शो होगा यू आर एलिजिबल फॉर सीनियर सिटीजन कंसेशन, एल्स अगर 60 से कम है एज तो नो कंसेशन। अभी हम इसको देख लेते हैं, इसकी आउटपुट देखिए, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें ऐसा बॉक्स ओपन होगा, ऐसी आउटपुट आएगी। तो हमने उसमें 50 एंटर प्रेस किया, 50 एज डाल दी तो उसकी आउटपुट आएगी नो कंसेशन, क्योंकि 60 से कम है 50, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट है अगर हम वहां पे 75 एज एंटर करते हैं तब हम ओके प्रेस करेंगे, तब हमें जो है यू आर एलिजिबल फॉर सिटीजन कंसेशन, तब हमें कंसेशन मिलेगा क्योंकि वो 60 से अबव है, ठीक है। अब हम इसका भी देख लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, सब टेस्ट ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे, देन एंटर डिम माय वैल्यू, वेरिएंट देन एंटर करेंगे माय वैल्यू, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, गिव मी सम इनपुट, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंड सब। ठीक है, अब हमने इसको रन करना है, रन किया, सब टेस्ट ब्रैकेट स्टार्ट इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, गिव मी सम इनपुट, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब हम इसको रन करेंगे, रन करने के लिए रन करेंगे तो ये हमारा आउटपुट आ गया इनपुट बॉक्स का, गिव मी सम इनपुट। इसमें दो बटन्स हैं, ओके और कैंसिल, यहाँ पे हमने कुछ भी कर सकते हैं एंटर। अब हमने ये एंटर तो कर दी, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने वैल्यूज एंटर करी हैं ये कहीं पे शो हो, ठीक है। तो हम करेंगे सब टेस्ट 1 ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे, देन डिम माई वैल्यू एज
वेरिएंट एंटर माय वैल्यू इक्वल टू इनपुट बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे गिव मी सम इनपुट. देन अब हम लिखेंगे नीचे कहाँ पे चाहिए हमें वो रेंज ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा ओपन ए वन डॉट वैल्यू इक्वल टू माय वैल्यू. अब हम इसको रन करेंगे. रन करने के लिए टेस्ट वन. अब हमने यहाँ पे 50 प्रेस कर दिया. देन अब हम देखेंगे अपने एक्सेल की शीट पे ये ए वन में हमें 50 शो हो रहा है. मैक्रो में जाएंगे सीधा टेस्ट वन को करेंगे रन. रन किया देन यहाँ पे अगर हमने 100 लिख दिया 1000 लिख दिया ओके तो यहाँ पे हमारी 1000 वैल्यू इनपुट हो गई. ठीक है अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं. सब टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट बॉक्स ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे डिम एज एज इंटीजर. ठीक है एंटर करेंगे एज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट प्रॉम्प्ट डबल कोलन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट प्लीज एंटर योर एज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे सिंगल कॉमा लगाएंगे. अब लिखेंगे टाइटल. टाइटल है डबल कोलन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एज डिटेल्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सिंगल. अब लिखेंगे टाइप इक्वल टू वन एंटर डिबग डॉट प्रिंट योर एज इज डबल कोलन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एम परसेंट एज. अब हम इसको रन करना है. रन करेंगे यहां पे अगर हमने अपनी एज लिखनी है कुछ भी लिख दी 20 लिख देते हैं ओके. देन अब ये देखिए हमारी इमीडिएट विंडो में नीचे शो हो रही है योर एज इज 20. अगेन कर लेते हैं एंटर किया यहाँ पे 30 कर दिया ओके. देन योर एज इज 30. ठीक है अब हम एक और प्रोग्राम कर लेते हैं. अब हम इन दोनों का कॉम्बो कर लेते हैं. यहाँ पे हमने टाइप वन लिखा इसका एक है चार्ट वो दिखा देती हूँ शो कर देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे हमने टाइप क्यों लिखा. ये देखिए अगर हम वहां पे वन करेंगे तो हमें नंबर शो होंगे टू से टेक्स्ट स्ट्रिंग फोर से वैल्यू ट्रू और फॉल्स जीरो से फॉर्मूला ये अलग अलग वैल्यूज है. ठीक है टाइप नेक्स्ट प्रोग्राम कर लेते हैं कॉम्बो में. सब टेस्ट अंडरस्कोर फंक्शन ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे देन डिम एन एस इंटीजर then number equal to input box bracket start inverted comma start enter any number double colon inverted comma close then bracket close enter. अब नीचे लिखेंगे result equal to number
मॉड्यूल टू नेक्स्ट एंटर करेंगे सेलेक्ट केस रिजल्ट नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे केस इज इक्वल टू जीरो देन मैसेज बॉक्स देंगे मैसेज बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द नंबर यू एंटर्ड इज इवन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज देन नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे केस इज इक्वल टू वन एंटर मैसेज बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द नंबर यू एंटर्ड इज ओड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर एंड सेलेक्ट देन एंड सब करेंगे अब इसको रन करेंगे रन करने के लिए ये देखिए एंटर एनी नंबर अब हम यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं सपोज करो हमने 50 किया देन ओके तो ये नंबर हमारा इवन है द नंबर यू एंटर्ड इज इवन ठीक है ओके करेंगे अगेन इसी को रन करेंगे रन किया देन एनी नंबर 33 कर दिया एंटर द नंबर यू एंटर्ड इज ओड ये हमारा ओड है ठीक है ये जो प्रोग्राम है ये दोनों का मिक्सचर है इसमें इनपुट बॉक्स भी डाला है हमने और मैसेज बॉक्स भी एक और एग्जांपल कर लेते हैं सब सब टेस्ट इन्वर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज करेंगे देन एंटर डिम वैल्यू एज स्ट्रिंग एंटर किया देन इनपुट बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट Enter your name, inverted comma close, single comma, next, inverted comma start. May I know? Your name, inverted comma close, bracket. क्लोज देन एंटर प्रेस करेंगे अब हमने मैसेज बॉक्स देना है मैसेज बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हेलो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सिंगल कॉमा ठीक है देन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज वेलकम टू VBA ठीक है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे उसके बाद एंटर करेंगे एंड सब अब इसको रन करना है जस्ट 5 देखिए यहाँ पे एंटर योर नेम अब हमने यहाँ पे नेम कुछ भी डाल दिया अमन डाल दिया सपोज करो देन ओके तो हेलो वेलकम टू VBA ठीक है इसमें इनपुट बॉक्स भी है और मैसेज बॉक्स भी है अगर हमने यहां पे हम चाहते हैं कि हमारा नाम भी शो हो तो प्रोग्राम कर लेते हैं एक और सब टेस्ट फंक्शन नॉट क्लोज देन डिम
name as string. Next line में name equal to input box bracket start inverted comma enter your name inverted comma close single comma inverted comma start your name प्लीज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज देन ब्रैकेट क्लोज. अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में एंटर करना है देन इफ लेंथ नेम इन्वर्टेड कॉमा में देन इक्वल टू जीरो देन एंटर किया. अब हमने मैसेज बॉक्स देना है, मैसेज बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट Please enter a valid name. Inverted comma close single VV critical okay. Then enter करेंगे else enter message box inverted comma start hello inverted comma close and name and inverted comma close welcome to VBA inverted comma close karenge then and if then end sub. Ab hum isko run karenge. अब हमने यहाँ पे नाम लिख देना है कोई भी, अमन लिख दिया देन हेलो अमन वेलकम टू वीबीए ये यहाँ पे शो हो रहा है. ठीक है अगेन कर लेते हैं, ये हमने दोनों ही देख लिए. अगर हम यहाँ पे कोई भी नाम शो नहीं करेंगे, जैसे अभी हमने इसको रन किया यहाँ पे कोई भी नाम नहीं डालते हैं तो ओके करेंगे तो ये हमें एक क्रिटिकल मैसेज देगा प्लीज एंटर अ वैलिड नेम, क्योंकि यहाँ पे हमने डाला है मैसेज बॉक्स में डाला है ना प्लीज एंटर. अगर कोई भी नाम हम नहीं देंगे तो प्लीज एंटर अ वैलिड नेम. ठीक है यहाँ पे हमने लिख दिया अमन देन हेलो अमन वेलकम टू वीबीए. कोड प्रोग्राम देख लेते हैं. सब टेस्ट अंडरस्कोर इफ ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे देन एंटर तो ये आज हमने किया मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्सेस. थैंक यू. अगर किसी की कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है.
हेलो तब तक हम कोई एक और प्रोग्राम कर लेते हैं। टेस्ट कॉमा क्लोज देन एंटर ठीक है देन मार्क्स एस इंटीजर एंटर मार्क्स इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट फ्रॉम डबल कोलन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंटर यूअर मार्क्स inverted comma close single comma title double colon equal to inverted comma start enter entry of marks then inverted comma close single type double colon equal to 1 then If bracket start marks greater than 45 close then debug dot print sorry try inverted comma closed then next else debug dot print congratulations comma you have passed the test next likhenge and if Then answer. अब हम इसको रन करेंगे रन करने के लिए यहाँ पे एंट्री ऑफ एंट्री योर मार्क्स अब हम यहाँ पे 50 पहले 40 कर लेते हैं 40 देन ओके तो यहाँ पे हमारा आ गया सॉरी ट्राई अगेन ठीक है अगेन कर लेते हैं रन किया Done. Marks 40. यहाँ पे आ गया. Sorry. Try again. Again करेंगे अब हम 40 से अब हमने यहाँ पे 80 डाल दिया marks. Then okay. Congratulations. You passed the test. ठीक है. You passed the test. Again कर लेते हैं. Then okay. हमारा आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास द टेस्ट ठीक है अगर हम ये था इफ एल्स अगर हम 45 से अब डालेंगे तो हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास द टेस्ट ये मैसेज आएगा अगर 45 से कम है मार्क्स तो सॉरी ट्राई अगेन आई होप आप सबको समझ आया होगा इफ किसी की भी कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं